शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो चीज खुदा ने तुम्हारे लिए जायज की है तुम उससे किनारा कशी क्यों करते हो? क्या उससे अपनी बीवियों की खुशनुदी चाहते हो? और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। खुदा ने तुम लोगों के लिए तुम्हारी कस्मों का कफारा मुकर्रर कर दिया है और खुदा ही तुम्हारा कारसाज है और वो दाना और हिकमत वाला है। और याद करो जब पैगंबर ने अपनी एक बीवी से एक भेद की बात कही तो उसने दूसरी को बता दी जब उसने उसको अफशा किया, और खुदा ने उस हाल से पैगंबर को आगाह कर दिया तो पैगंबर ने उन बीवी को वो बात कुछ तो जताई और कुछ न बताई। तो जब वो उनको जताई तो पूछने लगी कि आपको ये किसने बताया? उन्होंने कहा कि मुझे उसने बताया है जो जानने वाला खबरदार है। अगर तुम दोनों खुदा के आगे तौबा करो तो बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे दिल कज हो गए हैं। और अगर पैगंबर की ईजा पर बाहम एआनत करोगी तो खुदा और जिब्राइल और नेक किरदार मुसलमान उनके हामी और दोस्तदार हैं, और उनके अलावा और फरिश्ते भी मददगार हैं। अगर पैगंबर तुमको तलाक दे दें तो अजब नहीं कि उनका परवरदिगार तुम्हारे बदले उनको तुमसे बेहतर बीबियां दे दे। मुसलमान साहिब ईमान फर्मा बरदार तौबा करने वालियां इबादत गुजार रोजा रखने वालियां बिन शोहर और कमारियां। मोमिनों अपने आप को और अपने अहलो आयाल को आतिश जहन्नम से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है और जिस पर तुंद खू और सख्त मिजाज फरिश्ते मुकर्रर हैं। जो इरशाद खुदा उनको फरमाता है उसकी नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म उनको मिलता है उसे बजा लाते हैं। काफिरों आज बहाने मत बनाओ, जो अमल तुम किया करते हो उन्हीं का तुमको बदला दिया जाएगा। मोमिनों खुदा के आगे साफ दिल से तौबा करो, उम्मीद है कि वो तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा और तुमको बाग हाय बहिश्त में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा। उस दिन खुदा पैगंबर को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए हैं रुसवा नहीं करेगा, बल्कि उनका नूर ईमान उनके आगे और दाहिनी तरफ रोशनी करता हुआ चल रहा होगा। और वो खुदा से इल्तजा करेंगे कि ऐ परवरदिगार हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर और हमें माफ फरमा, बेशक खुदा हर चीज पर कादिर है। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिरों और मुनाफिकों से लड़ो और उन पर सख्ती करो, उनका ठिकाना दोजख है और वो बहुत बुरी जगह है। खुदा ने काफिरों के लिए नूह की बीवी और लूत की बीवी की मिसाल बयान फरमाई है। दोनों हमारे दो नेक बंदों के घर में थीं और दोनों ने उनकी खयानत की तो वो खुदा के मुकाबले में उन औरतों के कुछ भी काम ना आए, और उनको हुक्म दिया गया कि और दाखिल होने वालों के साथ तुम भी दोजख में दाखिल हो जाओ। और मोमिनों के लिए एक मिसाल तो फिरौन की बीवी की बयान फरमाई कि उसने खुदा से इल्तजा की कि ऐ मेरे परवरदिगार मेरे लिए बहिश्त में अपने पास एक घर बना और मुझे फिरौन और उसके आमाल जश्त माल से नजात बख्श और जालिम लोगों के हाथ से मुझको मुखलसी अता फरमा। और दूसरी इमरान की बेटी मरियम की, जिन्होंने अपनी शर्मगाह को महफूज रखा तो हमने उसमें अपनी रूह फूंक दी और वो अपने परवरदिगार के कलाम और उसकी किताबों को बरहक समझती थी और फर्माबरदारों में से थीं।